सोलन में बच्ची की हुई हत्या को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिला। मृतक के परिजनों और गांव वासियों ने रोष रैली निकाली और पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर घंटों चक्का जाम कर दिया। ये चक्का जाम तब खोला गया जब उपायुक्त सोलन और एसपी सोलन ने खुद आकर प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। सभी की मांग यह थी कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी हत्यारा है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोलन में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कल की घटना के बाद आलम यह है कि वो अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालने से भी डर रहे हैं। गांववासियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस को इस घटना की जानकारी सुबह ही दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने समय रहते तीव्रता से काम नहीं किया, यही वजह रही कि मासूम की हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि जिस स्थान और हालात में मासूम का शव मिला है उस समय मृतक के परिजनों को मौके पर क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी कोई हत्या होती है तो पुलिस नेपालियों को पकड़कर सामने ले आती है। उन्हें शक है कि हत्यारा कोई और भी हो सकता है, इसलिए इस घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि एक मासूम को इंसाफ मिल सके। हाँ, जिस तरह से ये बच्चे की हत्या की गई है बहुत ही निंदनीय काम है। यहाँ सोलन में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। हमारे जो मासूम है जो स्कूल जाते हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस तरह से जो पुलिस का काम है वो कटघरे में हम लगाते हैं कि उनको काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी जो घटना पीछे हुई है एक महीना दो महीने के बाद कोई ना कोई घटना हो रही है और इस प्रकार की सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। ये भी कहना चाहते हैं कि हर बार ये नेपाली क्यों आते हैं, हर बार के केस में गुड़िया कांड हुआ वहाँ भी नेपाली को गिरफ्तार किया, रोडू में तीन तीन मर्डर हुआ वहाँ पे भी नेपाली को गिरफ्तार किया। ये पकड़ा जाता है कि असलियत में इसके पीछे कोई और है। हम पूरे सरकार से पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि एक जो काम करने वाला आदमी बेचारा जिसको 7000 सैलरी मिलती है उसके बेटे को किडनैप करने की कोशिश की जाती है, उस मासूम की जान ली जाती है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसके पीछे जो भी कोई है वो सामने आ जाए, नहीं तो हम इस आंदोलन को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं। और पुलिस को छोड़ो, पुलिस बोल रही है, पुलिस बोल रही है दो दिन रखे हुए थे यहाँ पर, वो बंदा उसके पास कैसे जान जाता कैसे, उसको वो दो दिन खड़ा रहा, पुलिस बोल रही है दो दिन रखे हुए, ऐसा कैसे सकता है। अब पुलिस की आप कार्रवाई करेंगे, पुलिस प्रशासन आज जो देखने में आ रहा है एक नहीं अनेकों केस ऐसे हैं जिसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं और आगे मोहरे में ऐसे ऐसे नेपालियों को लाया जाता है जिनके माध्यम से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो और असली न्याय मतलब जो करिंदे हैं वो आए। जब पुलिस ने दो घंटों के बाद बलपूर्वक गांववासियों का प्रदर्शन खत्म करने का प्रयास किया तो गांववासियों ने भी इसका विरोध किया तो वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस के भारी बल ने ग्रामवासियों को वहां से खदेड़ दिया और कुछ को अपनी हिरासत में ले लिया। जैसे ही कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया तो कुछ देर में उनकी घर की महिलाएं सड़कों पर उतर आई और उन्होंने सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर में महिला पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें भी जबरन वहां से उठा लिया। इस समय सोलन में भारी तनाव देखा जा रहा है, जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वह अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता से जांच कर रहे हैं और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी गांववासी धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये उनकी समझ से बाहर है। उन्होंने सोलन वासियों से सहयोग की अपील की है। हमारी नजर रखी लगातार बरकरार है धरना प्रदर्शनों के ऊपर। मेरी आम जनता से ये आग्रह है कि हमने एक बहुत जघन्य अपराध हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरा जोर लगा के एक मुजरिम को पकड़ा है, अपराधी को पकड़ा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें ठीक तरीके से करने दें ताकि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो और इसका पूरा पर्दाफाश हो सके। जो प्रदर्शन करते लोग बाहर कहना है कि उनको जब अंदर लाया गया उनके साथ बहुत मारपीट हो रही है और अंदर भी मारपीट हो रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी आपने खुद ही देखा है कोई उनको हटाया गया है और मेरे हिसाब से जो जरूरी फोर्स होती है जो कि सीआरपीसी में भी प्रोविजंस हैं उतनी जरूरी फोर्स का इस्तेमाल किया गया। नौबत आ गई कि जो प्रोटेस्ट है वो उनको करना पड़ा और वो अभी वो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। जब उनसे बात की है तो उन्होंने यही कहा कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम भी यही कह रहे हैं कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, आप सबके सामने है हमारी कार्रवाई। एक तरफ रन ऑफ यूनिटी मैराथन का सोलन में आयोजन होता रहा, सारा जिला प्रशासन रन ऑफ यूनिटी को सफल बनाने में जुटा रहा, वहीं दूसरी ओर मृतक किशोर की गांववासी इंसाफ की गुहार लगाते रहे और चक्का जाम कर रखा, लेकिन उन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए जब जबरदस्ती खदेड़ा गया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा था।